Assalamualaikum Naz. Tehlka tehlka. Assalamualaikum viewers. I am ZM Malik. Tehlka tehlka. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैद जे मलिक तहलका की अगले एपिसोड के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और मेरे साथ हस्बे मामूल आज भी ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनको आप देखना चाहेंगे, जिनको आप सुनना चाहेंगे, और जब आप उन्हें को सुनेंगे, आप उन्हें देखेंगे, तो आप यकीन माने कि आखिर इस प्रोग्राम से नजरें नहीं हटा सकेंगे। सबसे पहले आज के मेहमान की तरफ मैं जाऊंगा। आज के जो हमारे मेहमान हैं फारूक जानी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, 300 से ज़ायद फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनकी बहुत सारी फिल्में सुपर हिट रही। पाकिस्तान के वो तमाम टॉप के अदाकार जिनका सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बाहर के ममालिक में भी तोती बोलता था, उनके साथ आप हमेशा फारूक जानी का चेहरा लाजमी देखेंगे और इनकी परफॉर्मेंस पर दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। फारूक जानी सिर्फ फिल्म ही नहीं, टीवी का भी बड़ा नाम है और थिएटर के हवाले से भी एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। आज हमने खास अल्खास इनको स्टूडियो में मधु किया है क्योंकि आज हमने बहुत सारी बातें अपनी शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से करनी है। इनके साथ मौजूद हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फन की दुनिया में बड़ा नाम और बड़ा मकाम रखते हैं, याकूब शेख साहब। और उनके साथ आपके हस्बे मामूल जिन्हें आप तहलका प्रोग्राम में देखते हैं, सदाकत मुगल, वो भी मौजूद हैं। और आज खास खास हमारे साथ शाहीन आशी, जो कि स्टेज का भी बड़ा नाम है और फन की दुनिया में भी बड़ी पहचान रखती हैं। आज हमने ने मधु तो किया है, लेकिन आज हम ये वो बातें करेंगी कि आप हमेशा मैं कहेंगे कि तहलका में इनको लाजमी बुलाना है। और हस्बे मामूल एंकर पर्सन किरण खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अब तमाम लोगों को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं और सबसे पहले फारूक जानी साहब आपकी तरफ आऊंगा। 300 से ज़ायद फिल्में बड़े बड़े अदाकारों के साथ आपने, सुल्तान राही, शान, साइमा और मैं कितने ही नाम लूं जिनके साथ आपने काम किया, कैसा तजर्बा रहा फिल्म इंडस्ट्री का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं सबसे पहले जनाब ज़ैद मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें प्यार और मोहब्बत से नवाज़ा और हमें यहां पे दावत दी। और फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन मुझे 37-38 साल मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उन सब के साथ मैंने काम किया। और टीवी पे मैंने 87 से पीटीवी तकरीबन काफ़ी चैनल पे सीरियल, सीरीज़, कमर्शियल और स्टेज इस्लामाबाद से, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मैंने शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगाज़ जो किया स्टेज का वो मेरे काबिले एहतराम, बहुत ही काबिले रिस्पेक्ट शख्सियत, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर जनाब इजाज शेख साहब थे मेरे उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने मुझे फर्स्ट चांस दिया था स्टेज पे। और उसके बाद फिर मैं एक ड्रामा कर रहा था तो जनाब मरहूम अलहाज, जिनका वर्ल्ड में गिन्स ऑफ वर्ल्ड बुक में नाम है, सुल्तान रही साहब, उन्होंने मेरा जब वो ड्रामा देखा तो उन्होंने, वो मेरा बदमाश का रोल था उसमें, तो मुझे कहने लगे कि यार आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप लाहौर आओ। तो बस नसीब, फिर मैं लाहौर चला गया तो वहाँ पे फिर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत काम किया लाहौर, मेरे सीनियर मोस्ट लेजेंड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ,
जो मतलब है कि प्रोफेसर करेक्टर थे, आगा तालज साहब मरहूम अल्लाह बख्शे, बहुत बड़ा नाम, सुल्तान रही साहब, और हमारे बहुत ही सीनियर जो रंगीला साहब, नन्ना साहब, अली एजाज साहब, और मुस्तफ़ा क्रेशी साहब, और अल्लाह गरीक रहमत करे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी जिनके साथ अल्लाह पाक ने मुझे ये मतलब है एक गॉड गिफ्ट दिया। जारी बात है, देखिए ना, एक बड़ा एक लंबा कैरियर जो आपने बताया, जी जी 37-38 साल एक बहुत बड़ा कैरियर होता है। अच्छा, एक जो ब्रेक्स हम लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स यानी वक्फे, जी जी, एड्स बनते हैं, जी जी, एक आपका एड बड़ा मशहूर हुआ था, मैं तो हुंडा ही लैसा, जी CD70 और बड़ा वो इतना माशाल्लाह हुंडा, मैं तो हुंडा ही लैसा लेता है आज तक कि नहीं, मैं वेस्पा ले आया, वो पे है जी। अच्छा, वो मैं बात कर रहा था कि हमारी जो कमर्शियल थी वो मैंने इस्लामाबाद से पहली कमर्शियल की थी, जमशेद फरशोरी साहब, बड़ा नाम था एक, और उनकी वो शहजोर बीज की कमर्शियल थी, एक पूरा गाना था मेरे मतलब मुझ पर। तो उसके बाद फिर मैंने ये 2002 में, 1-2 में मैंने की है, मैं ये CD70 की मैं तो हुंडा ही लैसा। उसके बाद फिर एक रॉयल फिल्टर सिगरेट की कमर्शियल थी, वो मतलब रेस भी थी घोड़ों की, उसमें वो ग्राउंड में उन्होंने शूट किया था सारा। तो उसके बाद फिर मैंने की है वो सोना यूरिया, ये तेज़ दम चाय जनाब सीनियर हमारे मुस्तफ़ा क्रेशी साहब, उनके साथ की थी, और फिर और भी काफी थी वो। अच्छा, ज्यादातर आपने मनफी किरदार काफी सारे किए। हाँ जी, कोट खान दे रहे हैं हर फिल्म में, कोट खान, मैं कोट खांदा रहा, ये गैरत नहीं खांदा। नहीं, उन्होंने ऐडा काम कीता, ऐडा काम कीता, तू की कीता, तू जदू भी कीता खांदी की। नहीं, इन्हें जदू भी कीता घर का काम कीता है, इन्हें घरों फुर्सत नहीं होती, भाभी साड़ी जी है ना सारे भांडे दे अगे रख दें, वेखो ना भांडे कूचन वाली कूची अर्गा सिर करता उन्हें, साफ किया जी। आंटी पुठी की ना, ये देखो ना दुनिया ने की तमाशा लाया, रक्षा कराना पैंदा नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ। तो ये भाई उसके बाद कहता है जी मैं जहां भी जाता हूं, लितर खाने आया हूँ। देखो ना मुंह देखो, मुंह देखो जी, दरी कट्ठी की होगी मस्जिद च, लोगां ने जुतियां मार के कढ़िया लै के वापस। एक दफा एक गली चो लंघिया ते माइयां ने एक दूजे नू कहना शुरू करता है कि बीबीओ भैणो भांडे टक लो, किसे मुंह ना मार जाए। थोड़े जे वाल दे दो, तुहाडा सिर ते वाल पूरे ने, ते खुदा दा वास्ता जी मेरा ऐ वेखो। मैं कहा यार तू भाभी दा हमेशा हक खाधा है, सारी जिंदगी बच्चियां दा हक खाधा है, बेटा ये लेग पीस मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो अगे रख के ते नाल ही मूंह च पा लेना, वो छेत्र ला लेंदे सन, वह जाहिर वजदा इत्थे ही सी, ए वेख लो, ते पिछू वाल खिच के ते अगे लै के आंदा, वो जिवें गडवी नू झालर नहीं लगी होंदी।
हाँ जी होगी। शाहिनाशी आप क्या कहती हैं, आप भी माशाल्लाह क्योंकि फन आपने भी बड़ा सा फन को दिया अपनी जिंदगी के कीमती साल फन को दिए, तो आप फारूक जानी साहब के हवाले से क्या कहेंगे, आपने इन्हें बतौर अदाकार कैसे पाया? बहुत अच्छे अदाकार थे, ज्यादातर तो ये मनफी करेक्टर ही करते रहे हैं। तो डर भी लगता था इनकी चलते नहीं, ये नाइस भी तो बहुत ज्यादा तो करेक्टर होता था ना। अच्छा बाहर आके बदल जाते थे यानी वैसे सिर्फ तू किराया लैन आया भाई, दो तीन इटा रख लै थले खुदा दे बंदे अपना कद वेख ते अपनी हरकत वेख। तीन चार जेब परसों मैं छुड़ाया फ्रूटर की रेहड़ी खलो गया, कहना भाई जान फ्रूटर किस तरह लाए ने, उन्हें कहा जी 200 रुपए दर्जन, कहते मैं चेक कर लवा, उन्हें भाई जी ला लेतर लिया, उन्हें कहा जी 6 दिन तू एह काम कर रहे हैं तेरा खाना खराब हो जाए तू लै भी तो सही। परसों छित्तर खा रहा मैं, क्यों खाता पे, कहना मैं तो छित्तर कबाब खान आया थोड़ा ये मारन लग गए। और भाई जान मैं गैरतमंद हूं, मैं देखो जी छित्तर भी खाने पैंदे ने, हक लाल की कमाई बंदा जिहड़ा करदा और तू तो जिंदगी कभी गैरत का कोई एक नुकता भी नहीं खादा। मेरा भरा भाई जान यकीन करो के एडा अच्छा आदमी है, मैंने एक बंदे ने कहा जी आपके साथ माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत शख्सियत है तो इनका तारफ करवाए, तो मैं कहते जी इन्होंने कहो मैं इंजीनियर हाँ, तो मैं फिर उन्होंने कहा जाहिर है फेस के मुताबिक मैं तारफ कराना थी, मैं कहा जी ये गटर इंजीनियर है, ये गटर इंजीनियर सुन के बता देते हैं कि गटर कहाँ से बंद है। नहीं नहीं मैं सुन के दसिया क्योंकि डक्का को इन्हों की वजह तो लग्या होगा। और की है तेरे नाल भाई जी जिदे नाल गंद ठंडे कमरे च इनू लै जाओ, तुहाडा ठंडा कमरा मिनटां च गर्म ना होया तैनू चुक के बाहर सुट दे। मलिक साहब इनू वापस ले लो ते साडा कूड़ा दे दियो। अच्छा शाहिना जी आपसे बात कर रहा था, मैंने एक्टर तो बड़ा अच्छा पाया सारा, तो इंसान भी कैसा पाया? ये बहुत नाइस हैं और बहुत अच्छे हैं, कितना अरसा फील्ड में रहे हैं, बहुत कम काम करने का मौका मिला इनके साथ, लेकिन ये है कि अच्छे बहुत ये माशाल्लाह जी सही उन्होंने कहा अच्छे बहुत थे मैं इनके बारे में एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि मैंने इन हस्तियों के साथ काम किया माशाल्लाह, ये मुझसे सीनियर है और मैंने हमेशा ना स्टेज पे असल में ना हमारे ऊपर एक छाप लगी हुई है कि किसी ने अगर वकील का करेक्टर किया ना आ हा हा यार उसको बुलाओ वो वकील बहुत अच्छा करता है, किसी ने बदमाश का किया यार वो उसी को बुलाओ वो बड़ा अच्छा बदमाश, भाई उसको उस लाइन से निकालो, नहीं ये काम नहीं है तभी तो पता चलेगा कि वो वर्क साइड जी। तो मैंने हमेशा शाहीन आशी साहिबा के साथ प्ले किए, नेफडेक में भी, कास्मो क्लब में भी और आर्ट काउंसिल में भी किए और आउट ऑफ स्टेशन मेरा ख्याल है मरी में भी जी किया था जी। तो मेरा ना अक्सर विलन का रोल होता था, तो बाहर आम लाइफ जो है हमारी वो उसमें हमारा एक फैमिली की तरह माहौल होता था, तो ये सब कहते थे कि यार ये स्टेज पे जब होता है तो ये तो हमें डर लगता है इससे, तो ये बाहर जब आता है आम लाइफ में होता है तो ये तो लड़कियों के साथ लड़की है, मतलब है लड़कों के साथ लड़का है, खुश रहा नाल खुश हां जी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਸਰਿਆ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੰਬਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆ ਬੈਠਾ ਜੋ ਅਦਰਕ ਵੇਖੀ ਜੇ ਕਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ
ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਚ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੇਖ ਜਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਣਾ ਨਾ ਆਣ ਹਾਂਜੀ ਲਾਫਟਰ ਦੇਈਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ अभी काफ़ी सारे हम आपसे मज़ा आ रहा है आपसे सवाल आप पूछने लेकिन एक हमारा सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर जी जी तो वो हमारी किरण खान मौजूद हैं ये रैपिड फायर सेगमेंट करेंगे कुछ सवाल आपसे पूछेंगे किरण माशाल्लाह एक मिनट किरण साहब ये मोहतरमा किरण साहबा ये जो रैपिड फायर जो आप करने लगी हैं कोई हकीकत का फायर नहीं है जरा इन मार दे नहीं वो इम्पॉसिबल है अच्छा। रैपिड फायर है फारूक साहब सबसे पहला सवाल है आपके ख्याल में जिंदगी का मतलब क्या है मेरा ख्याल है जी कि जिंदगी का मतलब ये है कि दूसरों के काम आना अल्लाह की जो मखलूक है उसकी हर परेशानी हर दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े होना चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं चाहे वो दोस्त हैं क्योंकि हमारी हदीस में लिखा हुआ है कि आपके जो दाएं और बाएं पड़ोसी हैं आप उस वक्त तक खाना ना खाएं जब तक उनकी खबर ना लें कि क्या उन्होंने खाना खाया है या नहीं तो ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है दूसरों के काम आना क्या बात है ज़बरदस्त वो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई देती है जी असल में हौसला जो होता है ना वो दुआएँ होती हैं दुआएं जबरदस्त किसकी मौत ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया जी जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया वन वर्ड है एक वर्ड में बताएं शॉर्ट दसना हां जी सिर्फ शॉर्ट दसना मेरी वालदा मोहतरमा आपको अब तक मौसूल होने वाला बेहतरीन मशवरा क्या है मुझे मशवरा मेरे उस्ताद मोहतरम ने दिया था कि जो हाथ यहाँ पे हो वो यहाँ नहीं आना चाहिए यानी आपके ख्याल में अच्छी जिंदगी गुजारने की कलीद क्या है अच्छी जिंदगी गुजारने की यही है कि आपसे हर बंदा खुदा खुश हो आप मुश्किलात से कैसे निपटते हैं मैं जब भी कोई मुश्किल आती है तो मैं अल्लाह पाक से अपनी दरख्वास्त करता हूँ और दुरूद पाक पढ़ता हूँ किस फिल्म किताब या टीवी शो ने आपकी जिंदगी बदल दी जी सबसे पहली तो बात यह है कि ये मेरी माँ की दुआएं थी उसके बाद मैंने टीवी का एक सीरियल किया था वो 86-87 में तो उसमें थोड़ा सा मेरा एक करेक्टर था जानी वहाँ से मेरा नाम भी जानी पड़ गया था फारूक जानी हो गया था अच्छा कौन सी खसूसियत सबसे ज्यादा वजाहत करती है कि आप कौन हैं जी मैं यही खसूसियत है कि मैं कलमा गो हूं ठीक हो गया आप अब भी कभी कभार किसी अजनबी के बारे में सोचते हैं जी मैं हमेशा हर अजनबी के बारे में सोचता हूं कि जो एक्सपीरियंस मेरे पास है काश इसके पास भी होता क्या समझती है कि पाकिस्तान में जो फनकार है वो अपनी जो उसके अंदर की सलाहियतें हैं फन की जो सलाहियतें हैं उसके इजहार का उसको सबसे बेहतरीन मौका स्टेज पे मिलता है ड्रामा में मिलता है या फिर फिल्म में मिलता है वैसे एक्टर जो है वो स्टेज पे ही पहचाना जाता है ज्यादा असल क्वालिटी आप समझती हैं कि स्टेज पे वाला जी बिल्कुल जाहिर बात है वो लाइफ होता है और पता चल जाता है कि एक्टर कैसा है क्या है क्या कितने पानी में है जी बिल्कुल इनकी आशी मैडम की मैं बात को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सर सवाल किया उसकी वजह है कि रिजल्ट वहीं पे मिल जाता है थिएटर पे मिल जाता है कि मैंने क्या किया उसका जवाब पब्लिक की तरफ से आ जाता है क्लैप की सूरत में वेरी गुड अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर बात है तकरीबन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हर बड़े अदाकार ने आपने काम किया सबसे ज्यादा किससे मुतासिर हुआ मैं जी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था मरहूम अकमल साहब
जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मुझे सब लोग कहते थे कि वो आपके क्या लगते हैं, मेरा मतलब फेस मुशाबत जी, मुशाबत मिलती थी उनसे बिल्कुल। तो बल्कि उनका बेटा जब शबाज़ अकमल साहब एज ए हीरो आया तो लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे कि जी वो आपकी फ़िल्म देखी, वो शिकरा, वो फलां, वो फलां। अच्छा। और मैं कहा भाई वो मैं नहीं हूँ, वो शबाज़ अकमल साहब हैं। तो अकमल साहब इज़ ग्रेट, बहुत कमाल की शख्सियत और बहुत कमाल के एक्टर थे। तो बस हमारा तो खैर इतना नसीब अच्छा नहीं था कि हम उनके साथ काम करें, लेकिन फिल्में में हम उस वक्त फिल्में देखते थे, ये सलमों पे जाके तो वो ऐसे एक रश लगा होता था। तो हमारे दो तीन सात दोस्त होते थे तो हमने ना जंप करके ना ऊपर जहाँ पे बंदे खड़े हैं तो जंप करके ऊपर जाना, पीछे से उसने हमारी टांगे पकड़नी ऐसे ऊपर बंदों के सरों के ऊपर, तो ऐसे वो खिड़की में हमने बाजू घुसा देना तो कईयों के बाजू टूट जाते थे, कई बंदों की मतलब डेथ भी हुई है। यानी कि इतना मुश्किल प्रोसेस था टिकट निकालने। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा। उस टाइम तुसी बांदर बन गए। मैं एक दफा टिकट कटन बांदरवाड़ी। अच्छा। तो मेरे हाथ च ऐ आ गया मुंह, वो मैं हुण बाहर वाल खिंचा या अंदर वाल खिंचा। फिर तुसी वो खिड़की च नहीं ना दिती होनी, तुसी ते खोडे च ते चूहा होंदा। फिर अपनी फोटो वेखी शीशे ते कहने ऐ ते ओ मुंह, ओ ते मुंह ही मुंह है, ऐ फिटे मुंह। ऐ तुहानू कह रहे। अच्छा, आप अदाकार तो अच्छे हैं ही हैं और बड़ा आपने काम भी किया इसमें, लेकिन गुलकारी के हवाले से भी हमने सुना है कि आपने बड़े गुलकारों से फन गायकी में कमाल हासिल करने के लिए अपनी सही की कोशिश की और आपने उनके साथ वक्त गुजारा। तो आपकी मधुर प्यारी खूबसूरत आवाज में हम भी चाहेंगे कि हमारे जो नाजरीन है वो एक खूबसूरत सा जनाब नगमा गाना जो भी आप सुना। जी बिल्कुल, असल में एक रिकॉर्डिंग हो रही थी गाने की, तो मैं बचपन से ही गाने का शौक रखता था। तो अल्लाह करी के रहमत करे मेहंदी हसन साहब, वो बड़ा प्यार करते थे हमारे साथ। तो मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा हाँ साहब मुझे भी गाने का शौक है। तो कहते यार फिर कभी आना तुम। वो एक दफ़ा ना मैं चला गया परवेज़ मेहंदी साहब के साथ, तो ग़ुलाम अली साहब भी आए हुए थे। तो उधर मैंने मुझे कहते कुछ सुनाओ, अबे कुछ सुनाओ भाई, क्या गा लेते हो तुम। तो मैंने कहा जी मैं आपको ही गाता हूँ, तो मुझे फिर वो मेरी कोई गज़ल वगैरह सुनाओ। तो मैंने फिर उनको एक गाना डेडिकेट किया। जी जी प्यार भरे दो शर्मीले ने जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले ने डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए।
प्यार भरे दो शर्मीले बहुत अच्छा गाना सर आपने बहुत अच्छा गाया पर हाथ तुसी इंज ही रखे जी मैं मंगन लगे हाँ मैं हाथ से इंज लगे मैं शायद इस नक ते वज जाए जरा चौंजर का नक कटे ना जी मैं दरवाजे च हाथ आया होता बहुत अच्छा गाना था बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह इन्होंने गाना सुना। अच्छा ये बताइएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने बताया अकमल साहब से आप बड़े मुतासिर जी जी खवातीन जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी नामवर खवातीन गुजरी बड़ी बड़ी अच्छी अदाकाराएं गुजरी खवातीन में आप किससे ज्यादा मुतासिर क्या बात क्या कहने जनाब खवातीन तो माशाल्लाह वो दौर बड़ा अच्छा था और कदर थी आर्टिस्टों की मेल फीमेल दोनों की तो इंडस्ट्री में मैंने जिनको देखा और जिनके साथ एक बहुत ही प्यार था मोहब्बत थी और एक एहतराम था जिनका वो थी सबिया बेगम सबिया हाँ जी बड़ा नाम है एक और बड़ी लीजेंड जी जी अदाकारा गुजरी है हाँ फिल्म इंडस्ट्री की जी जी एक वक्त था ये उन अदाकाराओं में जिनका तोती बोलता क्या बात बड़ी हीरोइंस में से क्या बात बहुत बड़ा नाम था। अच्छा ये तो चले हमारी लोकल इंडस्ट्री के हवाले से हो गया आपने जिन लोगों से काम किया तो अगर हम इंडियन इंडस्ट्री या इंटरनेशनल इंडस्ट्री हम बात करें बॉलीवुड की हम बात करें हॉलीवुड की तो किस अदाकार को आप समझते हैं कि वाकई बेहतरीन अदाकार है जी मैंने कॉमेडी में बल्कि मेरा थोड़ा सा उनके साथ हेलो हाय भी है तो वो जॉनी लीवर साहब है और करेक्टर एक्टर जो मैंने देखा है देखें बात ये है कि इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि यार इसने गाने अच्छे गाए हैं इसने वो दीवारें तोड़ी हैं इसने बंदे मारे हैं मैंने अगर एक्टिंग में किसी को सिलेक्ट किया है तो वो नाना पाटेकर साहब पठान बन जाता है रोटी खिलावांगा बाद पता चलिया उस बंदे ने जिसने मेरे नाल जेड़ा खलोता सी उन्हें क्या है ते खुद मांग के खाना तनु के ने कितो उस बंदे ने तनु ऐ नहीं किया के दस मेरे को ले ते मेरी जान छड़ तुसी भी चाचा जी सुनो ते सही ना राजा बाजार चले जाओ ना राजा बाजार ओ यखनी वाली पई होंगी ते एको जाओ ऐ लटकिया होने ओ कपड़े भी इसे लथे हो देखो जी की क्या नाम है इनका सदाकत मुगल उनको कौन सा आर्टिस्ट बहुत ज्यादा मतलब किसकी अदाकारी आपको अच्छी लगी हो बतौर अदाकार पाकिस्तानी अदाकारों में पाकिस्तानी अदाकार ये मुझे बाबरा शरीफ साहब बहुत पसंद है बहुत अच्छे बाबरा लेकिन वो साहब तो नहीं है मेरे हाथ में तो बाबरा शरीफ साहब ये साहब साहिबा नहीं वो आपको बाबरा शरीफ साहिबा अच्छा आपने साहब कहा है नहीं वो आपको माशाल्लाह इसलिए अच्छी लगी कि आपका और उनका कद एक जैसा है हो सकता है लेकिन अच्छी थी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी जी उनके बाद जो न्यूज़ में आई वो जो थी मैं किरण खान का नाम नहीं ले रहा हूं न्यूज़ में न्यूज़ की न्यू में न्यू यानी कि अब जो आई हां जी एरीमा जी अच्छी थी असल में बाबरा मैडम जो हैं वो माशाल्लाह बहुत प्यारी एज ए इंसान वो जब सेट पे आती थी आप यकीन करें कि जो हमारे मतलब है कि वहां पे आप मजदूर वगैरह जो होते थे तो उनके साथ आर्टिस्ट तो बैठे होते थे ना मतलब नदीम साहब बैठे हैं शाहिद साहब बैठे हैं वहीद मराद साहब बैठे हैं मोहम्मद अली साहब बैठे हैं जो टेक्नीशियन होते थे उनके साथ उसने
बैठना, बातें करनी, बहुत और उनका ख्याल भी रखना, यानी कि ताड़ा काफी ख्याल है। हाँ जी, सिर्फ नहीं रखिया तो इस बंदे का ख्याल नहीं रखिया। अच्छा मैं भी नहीं रखे यार। मैं कुछ कह नहीं रहा वा, ठीक है ना, ते इसलिए तुसी हर गल मेरे ते क्यों सुट दे हो भाई? भाई जान तुम्हारे ते कूड़ा नहीं सुट दे, शुक्र करो। पड़ोसी बर्दाश्त नहीं कर रहे। चूंकि हमारा प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल की तरफ है, तो मैं शाहीन आशी साहिबा से कहूंगा कि एक और गाने की आपसे फरमाइश करें और वो आप इनकी पसंद का सुनाएं कि वो ये कौन सा गाना सुनना चाहती है। जी आप बताएं कौन सा गाना सुनना चाहती है। फरमाइश ऐ ना कह देना कि होर सुना सलीम हो तू कुथै कुथै गई है, ऐ ना कह देना। नहीं नहीं ये सर एक मिनट आप अपनी पसंद का सुना दीजिए। अच्छा मेरी पसंद का गाना फिर मैं आपको सुना देता हूँ। मेरा तो असल में मेहंदी हसन साहब हैं और मैडम नूरजहान को भी मैं गाता हूँ, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और रफ़ी साहब को भी मैं गाता हूँ, मुकेश साहब को भी मैं गाता हूँ, तो आप इन चारों नामों में से गाना अलाउ है। हाँ जी अलाउ है, मैं है। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने की जो मैंने पहली दफा सुनी है, उस पर मैं चाहूंगा आप इजारे ख्याल लाजमी करें कि मैंने पहली आर्टिस्ट देखी है जिन्हें गाना सुनना पसंद नहीं है। आपकी नजर में पहले भी कोई ऐसी आर्टिस्ट गुजरी जिन्होंने इस तरह के? असल में ना ये शाहीन आशीष जो है ये ज्यादातर कव्वालियां सुनती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को। हाँ जी चले मैं फिर उनको सुना देता हूँ। बहुत बड़ा आपका नाम है, कोई गाना याद नहीं? मैं सुना देता हूँ, उन्होंने कह दिया वो। अच्छा। नुसरत फतेह अली खान साहब। वाह। नुसरत फतेह अली खान साहब का मैं मलक साहब आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा। लाहौर में स्कीम मोड़ के पास उनका ऑफिस होता था, तो वो घर से ना एक हॉट पॉट में खाना बना के लाते थे, बड़े लोग थे, और आपने शायद सुना होगा कि जो सुरीले लोग थे वो खाना भी बड़ा सुरीला बनाते थे। तो मैं कहता हूँ जी, तो फिर उस वक्त तो मोबाइल थे नहीं, तो उन्होंने स्टूडियो में फ़ोन करना, अल्लाह गरीके रहमत करे सुल्तान रही साहब को बुलवाना, वो शिफ्ट इंचार्ज को कहना कि उनको बुलाओ यार, तो उन्होंने उनको बुलाना कि आज वो मैंने आज कचनार गोश्त पकाया है, आज मैंने भिंडी गोश्त पकाया है, आज वो शिमला मिर्च में कीमा भर के बनाया। अच्छा मैं करेले का तुसी जिक्र कीता, एको जे करेले अक्सर धागा बलिया हो। नहीं एको जे करेले दा ना अक्सर पैर आ जांदा ते ओ फिर रेड़ी ते नहीं विकदा, ओ कूड़े छोड़ देंदे ने। अच्छा जी, तो नुसरत फतेह अली खान साहब के मैंने बहुत से खाने भी खाए, तो आज मैं उनका एक गजल आपको सुनाऊंगा। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां। दिल का दुखड़ा सह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती, कच्चे घड़े पर बह नहीं सकती, बैठ किनारे रह नहीं सकती, मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं गाँव में, पीपल की ठंडी छाँव में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने।
बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। आज अब बड़ी जबरदस्त बातें हुई, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें वक्त भी दिया, लेकिन इस वक्त में बहुत सारी यादें छेड़ी, बहुत सारी बातें बताई। और जारी बात है, आप जैसे वर्सटाइल एक्टर जिन्होंने एक अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री को दिया, तो ये खिदमत है बहुत बड़ी। अगला हिस्सा ना कब्रिस्तान में देना। हां, ये और काज भी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿੱਜੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। नाज़रीन, तहलका की अगली किस्म में फिर आपके सामने हाजिर थे, और आज के मेहमानों की आपने बातें सुनी, उनकी मधुर बातों के साथ साथ उनकी वो बातें भी सुनी जिन्होंने यकीनन आपको हंसने पर मजबूर किया होगा। मैं सब आने वाले मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, वो आए और इन्होंने आप सबको महजूज किया। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum viewers, I am Zaid Malik. Tehelka.